इस तरीके का वाइट फिनाइल इमल्सन बना लेना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, ये फार्मूलेशन बुक हमने बनाई है और इस बुक के साथ हमारी हेल्प और सपोर्ट भी। सपोज प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत आती है तो हम आपको हेल्प और सपोर्ट भी करते हैं। तो नीचे की तरफ जो नंबर दिया हुआ है उसमें कॉल करें और बुक ले लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बताने वाले हैं आपको वाइट फिनाइल इमल्सन जो कैसे बनाया जाता है। पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपने मार्केट में देखा होगा वाइट फिनाइल इमल्सन, केमिकल शॉप में, जो औद्योगिक केमिकल शॉप है उधर पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको। तो आपको ज़रूरत रहेगी TRO की, ये अपना है टर्की रेड ऑयल, और ज़रूरत रहेगी आपको एल्फॉक्स की, ठीक है। तो आपको बस यदि आपको 1 लीटर वाइट फिनाइल इमल्सन यदि आपको बनाना है तो आपको ज़रूरत रहेगी TRO की, करीबन 700 ml की आपको ज़रूरत रहेगी दोस्तों, ठीक है। आपको 700 ml लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद लेना है आपको 300 ml एल्फॉक्स, ये अपना एल्फॉक्स है, हम एल्फॉक्स लेंगे 300 ml, ठीक है। यदि आप 1 लीटर बना रहे हो तो हम आपको बहुत छोटे से बैच में आपको बता रहे हैं कि वाइट फिनाइल इमल्सन कैसे बनाया जाता है दोस्तों। इनको फिर हमें अच्छी तरीके से करना है मिक्स, और हमें मिक्स जब तक कर लेना है जब तक एक प्रॉपर वाइट तरीके का एक क्रीम नहीं बन जाता तब तक आपको मिक्स कर लेना है। तो आपने देखा होगा यही बिकता है मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं वाइट फिनाइल इमल्सन, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें मैं आपको नीचे की तरफ मेंशन कर ही दी है कितना क्या आपको, यदि आप 1 किलो का बना रहे हो वाइट फिनाइल इमल्सन तो कैसे बनाना है दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप इन दोनों इंग्रेडिएंट को आपको इस्तेमाल में लेना है और आपको इस तरीके का वाइट फिनाइल इमल्सन बना लेना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें दोस्तों और बने रहें और सीखते रहें।